just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी M14, इस फोन के अंदर अगर फ्रेंड्स आपको अपने एप्स हाइड करना है, कोई गेम वगैरह इंस्टॉल किया है उसको हाइड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कैसे इस फोन में गेम वगैरह या फिर किसी भी एप्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। इस फोन में गेम वगैरह या फिर किसी एप्स को हाइड करना चाहते हो तो अपनी स्क्रीन पर 2 फिंगर से इस तरह से पिंच इन कीजिए। इसके बाद कुछ ऑप्शन नीचे के साइड आपको देखने को मिलेंगे, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको हाइड ऐप, हाइड ऐप पर क्लिक करना है। किस ऐप्स को हाइड करना है अब फ्रेंड्स यहाँ आके आपको वो सेलेक्ट कर देना होगा। तो जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं इस तरह से सेलेक्ट करना है आपको पहले, और यहाँ पे डन का एक आइकन देखने को मिलेगा, आपको डन कर देना है। अब जो भी ऐप्स आपने सेलेक्ट किए थे वो होम स्क्रीन पे कहीं भी नजर आपको नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, बोले तो यूज करना है इन ऐप्सों को, तो किस तरह से कर पाएंगे, और अनहाइड करना है तो कैसे अनहाइड कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो स्क्रीन पर फिर से पिंच इन करेंगे 2 फिंगर से, और यहाँ सेटिंग में फिर से जाएंगे, जो हाइड ऐप्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और जिसके बाद जो भी ऐप्स हमें यूज करना है उसको इस तरह से अनसेलेक्ट कर देंगे या अनहाइड करना होगा पहले। डन करने के बाद अब हम इसको जाएंगे डेस्कटॉप पे और इस ऐप्स को यूज कर पाएंगे, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। और अनहाइड तो सिंपल आपको करना वही होगा, सिंपल यहाँ जाने के बाद हाइड ऐप्स पे जाना है, इस तरह से अनसेलेक्ट कर देने होंगे, तो ये आपके अनहाइड हो जाएंगे। इस तरह से अनहाइड इन ऐप्स को आप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इनके बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा कैसे ऐप्स हाइड कर सकते हैं इस फोन के अंदर। अच्छा करते हैं, वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।